हेलो फ्रेंड्स, मानी मेरे मंजन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो 2017-18 में काफ़ी धमाकेदार बढ़ी है। इनका स्टॉक तो ये आप देख सकते हैं इजीली। 2017 अगर आप सितंबर की बात करेंगे तो 700 के करीब चलता था और कंटिन्यूस काफ़ी अच्छा फरवरी तक 1700-1800 के करीब ये स्टॉक गया और अब अगर आप देखेंगे उसी लेवल पर मिल रहा है जो उस टाइम पर चल रहा था। तो अब कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है जो कि 19.5 रुपये के करीब है और ये कंपनी है ऑटोमोटिव एक्सेल्स लिमिटेड। 780 के ऊपर आज क्लोजिंग थी, लगभग 3% डाउन और 52 वीक लो देखेंगे तो 773 का, जो कि लोअर लेवल्स है, काफ़ी नज़दीकी है, लोअर लेवल्स के ऊपर ही चल रहा है और हाई अगर आप देखेंगे तो 1554 का है। तो इसके जून क्वार्टर के नतीजे आने दीजिए, फिर ही आप डिसाइड करिएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आप होल्ड कर सकते हैं डिविडेंड के लिए, लेकिन अगर न्यू एंट्री करना है तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने दीजिए, फिर ही एंट्री करिएगा। और इसका अगर आप देखेंगे, छोटी कंपनी है, 1180 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है। इसकी अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो मार्च क्वार्टर में अगर आप देखेंगे 481 करोड़ का टोटल सेल्स का टर्नओवर था, दिसंबर में 486। अगर जून के नतीजे बेहद अच्छे आते हैं, मार्च क्वार्टर से अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होती हैं, तो थोड़ा मूवमेंट जो है अपवर्ड दिख सकता है स्टॉक के अंदर। तो नेट प्रॉफिट 29.95 लगभग 30 करोड़ का था और लास्ट क्वार्टर में 30.5 करोड़ का, लगभग सेम ही था। तो अगर इम्प्रूवमेंट होता है रेवेन्यूज़ के अंदर, सेल्स के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर, तो यहाँ से है जो है 10-15-20% का रिटर्न जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको नज़र रखना पड़ेगा इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर। जैसे ही नतीजे आते हैं इसमें इंट्राडे में भी कमाने का मौका या शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। तो इसकी NSE की साइट पर जाएंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो रिकॉर्ड डेट देखना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपको भी 19.5 रुपये का जो है डिविडेंड मिल सके। तो NSE के ऊपर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं NSE की साइट खोली है, उसके अंदर कॉरपोरेट एक्शंस के अंदर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑटोमोटिव एक्सेल्स लिमिटेड 10 रुपये का फेस वैल्यू, 19.50 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया था। एक्स डेट 7 अगस्त है जो कि काफ़ी नज़दीक है और रिकॉर्ड डेट 9 अगस्त से लेके 14 अगस्त, ये बुक क्लोजर डेट होता है, इसी के बीच है। लेकिन आपको अगर लेना है तो 7 तारीख के पहले लेना पड़ेगा और 14 तारीख तक जो है आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना था क्योंकि काफ़ी लोग जानते नहीं हैं एक्स डेट कब होता है, रिकॉर्ड डेट कब है। तो उसी लिहाज से ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्टॉक है, अगर लेना चाहते हैं तो रिजल्ट्स आने दीजिए, उसी के बाद इस स्टॉक के अंदर भी आप देखेगा। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। चलिए, थैंक यू।